दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लाई थी कि आप आपके घर पे बैठे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, और मैंने एक उसी वीडियो के बाद कुछ दिन बाद एक और एक वीडियो लाई थी कि आप आपकी बॉलिंग घर पे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो मुझे लगा कि आप सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और मुझे कमेंट भी आया था कि आप मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आप आपके घर पे ही फील्डिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे तो मैं ये वीडियो आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, लेकिन यह सब प्रैक्टिस आप आपके घर पर कर सकते हो। मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 5 टिप्स दूंगा जिससे कि आपकी फील्डिंग एकदम इम्प्रूव हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमेध, आप देख लो क्रिकेट का ज्ञानी, नो क्वांटिटी ओनली क्वालिटी। तो दोस्तों, आज की हमारी फर्स्ट टिप है फील्डिंग की रोलिंग बॉल। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जब भी बॉल आता है आपको इस पोजीशन में बैठना है। अगर आप राइट ही हो और लेफ्ट ही हो तो सिर्फ इसका ऑपोजिट करना है। इस ऐसे करके ये देखिए, जब भी ऐसे बॉल आता है रोल, आपको इस तरह बैठ के इसे पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आप और एक भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको यह बॉल पर डालना है बॉल, देखिए इस तरह प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, इसे रोलिंग बॉल के फायदे अगर बताओ तो जब भी आप ऐसे बॉल आते हैं, अगर आपके हाथ से बॉल छूट भी जाए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाथ से छूटा तो देखिए यार नी पे बॉल लगेगा। इसलिए ये थी आज की हमारी फर्स्ट टिप रोलिंग बॉल। तो दोस्तों, आज की हमारी सेकंड टिप है कि दोस्तों आपको एक ऐसे इस बार एक बड़ी बॉल लेनी है। उस पर आपको सिंपली क्या करना है, रोलिंग बॉल ही है लेकिन इस बार क्या करना है, ये देखिए जोर से बॉल को मारना है, वन टप पढ़ के आपको कैच लेना है। जब भी क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन मिस टाइम करना है तो आप वन टप कैच लेके वापस थ्रो डाल सकते हो। तो वन टप में आपको सही जजमेंट के लिए जोर जोर से दीवार पे बॉल डालना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, आज की हमारी थर्ड टिप है कि सेम वही बॉल लेनी है, सिर्फ वन टप की बजाय आपको अभी फ्लैट कैचेस लेने, मतलब डायरेक्ट फुल टच डालनी है। आपके पैर से लेके आपके से पेट के हाइट तक ऐसे कैच लेने आपको। तो चलिए अब मैं इसका भी आपको एक दिखा देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली कैच कैसे लेनी है। दिखाया कि आप फ्लैट कैचेस कैसे पकड़ सकते हो। तो चलिए, ये थी हमारी आज की थर्ड टिप। तो दोस्तों, अभी मैं आपको हमारी फोर्थ टिप दिखाता हूँ। फोर्थ टिप में भी वही सेम बॉल लेनी है आपको, सिर्फ इस बार जो चेस्ट हाइट थी वो यहाँ से सर से थोड़ा ऊपर, मतलब जहाँ तक हाथ जाता है तो चिन तक ऐसे आपको ऐसे हाथ ऊपर लेके कैच लेने, या फिर ऐसे इसका मतलब है हाई कैच। तो चलिए अब मैं इसका भी आपको एक डेमो दे दिखाता हूँ कि आपको हाई कैच कैसे लेने। थर्ड टिप थी कि आप हाई कैच कैसे ले सकते हो दीवार में। अब ये फिफ्थ टिप थोड़ा सा यूनिक है, मतलब कि ये बहुत कॉमन है आपको हाई कैच लेने। देखिए इस तरह जो एयर में बॉल जाते हैं ना, वो कैच लेने, उसके लेने की भी आपको एक टेक्निक अभी बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डेमो दूँ। हाई कैच के समय ना हमारा बहुत ध्यान इधर उधर होता है, आपको बहुत मिक्सिंग होती है, मतलब कि आपको डर लगता है कैच छूटेगा फिर नहीं। आपको सिर्फ आपके आँखें बाजू कहाँ भी नहीं देनी कि वो क्या कर रहा है या फिर वो कैच लगा, सिर्फ आपको माइंड कॉल देनी है और उसके बाद आपके दोनों आँखें सिर्फ ये बॉल है ना, लेदर टेनिस जो भी बॉल हो उसकी तरफ रखनी आपको आपकी दोनों की। मतलब देखिए जैसे ही बॉल ऊपर जाए एकदम करेक्ट आपको आँखें रखनी इस तरह। अगर बॉल ऐसे यहाँ आपके सर के यहाँ से आ रहा है तो देखिए इस तरह पकड़िएगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर डायरेक्ट हाथ में आ रही है तो नॉर्मल देखिए जैसे हम कप करते इस तरह। ये थी हाई कैच पकड़ने की टेक्निक। चलिए अब मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे आज के सारे 6 टिप्स दिखाए कि आप आपके घर पे फील्डिंग इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों अगर एक बार हम सारे टिप्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टिप है कि रोलिंग बॉल, जो आपको ऐसे नीचे बैठ के करनी है। उसके बाद सेकंड टिप है कि एक बॉल लेनी है, वन बाउंस करके आपको कैच लेनी है। उसके बाद हमारी जो थर्ड टिप थी कि उसी बॉल पे आपको सिर्फ बॉल थ्रो करके या चेस्ट के हाइट पे लेनी है, जिसे फ्लैट कैचेस कहा जाता है। उसके बाद हमारी फोर्थ टिप थी कि आपको ऐसे डायरेक्ट जोर से बॉल थ्रो करना है और सर के ऐसे कैच लेना है। फिफ्थ टिप थी कि देखिए इस तरह बॉल ऊपर रखना है एयर में और आपको इस तरह दोनों हाथ से कैच लेने। दोस्तों यही थी हमारे आज के 5 टिप्स। हमने एक और बार रिवाइज की थी आप आपकी फील्डिंग घर पे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको हमें कुछ गिफ्ट देना है तो सिर्फ इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे यूज़र नेम है sumantyacker27 या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ मैं हर वक्त स्टोरी और पोस्ट डालता हूँ इंटरेस्टिंग, तो वहाँ भी आप हमें नीचे फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।